subscribe and press the bell icon to never miss the videos from ibpsguide.com. हेलो एवरीवन, आज इस वीडियो में हम अपने कुछ ब्लड रिलेशन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो हमारे अपकमिंग आरआरबी पी और आरआरबी क्लर्क एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है. सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि अपकमिंग जितने भी क्वेश्चन हैं आप फर्स्ट ऑफ ऑल वीडियो पॉज करना और उसको खुद से ट्राई करना कि आपसे कितना वो कितनी देर में आपसे कितने टाइम में सॉल्व होता है. ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं. सबसे पहले यहाँ पे कुछ चीज़ें देख लेते हैं. देखिए, मैं मेल को कैसे प्रेजेंट करती हूँ. मैं मेल को प्रेजेंट करती हूँ स्क्वायर, फीमेल को मैं प्रेजेंट करती हूँ विद अ सर्किल, और अगर कोई कपल है तो उसको रिप्रेजेंट करती हूँ विद अ डबल लाइन, एंड अगर कोई सिबलिंग है तो उसको रिप्रेजेंट करती हूँ विद अ सिंगल लाइन. तो ये देखिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, तो यहाँ पे मैंने बता दी. ज़रूरी नहीं है कि आप भी इन्हीं सब चीज़ों से रिप्रेजेंट करो, आपका अपना खुद का तरीका होता है, बट यहाँ समझाने के लिए मैं यही सारे सिम्बल्स यूज़ करूँगी, इसीलिए मैंने आपको एक्सप्लेन किया है. ओके, फर्स्ट क्वेश्चन, देयर आर सिक्स पर्सन दैट इज पी क्यू आर एस टी एंड यू इन अ फैमिली हैविंग थ्री जनरेशन. तो यानी टोटल कितनी जनरेशन है, टोटल तीन जनरेशन है. देयर आर ओनली टू मैरिड कपल, अब कितने शादीशुदा लोग हैं, सिर्फ दो शादीशुदा लोग हैं. आगे क्या बोल रहा है, क्यू इज ग्रैंड डॉटर ऑफ पी. तो जैसे ही पता चला क्यू इज ग्रैंड डॉटर ऑफ पी, इसका आप निकाल क्या सकते हो अपना निष्कर्ष कि हमारा क्यू कहाँ आएगा, क्यू हमारा थर्ड जनरेशन में आएगा, और पी कहाँ आएगा, पी हमारा फर्स्ट जनरेशन में आएगा. तो आप यहाँ पे बना लो कि क्यू थर्ड जनरेशन में आ जाएगा, फिर सेकेंड जनरेशन के लिए आप थोड़ा सा स्पेस छोड़ दो और पी आपका कहीं ऊपर आ जाएगा. फिर क्या बोल रहा है, क्यू इज दी ओनली चाइल्ड ऑफ आर. अब Q इज दी ओनली चाइल्ड ऑफ R, दैट मीन्स R आपका सेकेंड जनरेशन में आ जाएगा. आगे क्या बोल रहा है, एंड S इज ब्रदर इन लॉ ऑफ P. अब देखिए, ब्रदर इन लॉ हो कैसे सकता है. देखिए, ब्रदर इन लॉ टोटल तीन तरह से हो सकता है. पहला तरीका क्या है कि S इज ब्रदर इन लॉ. हाँ देखिए, पहला तरीका ये है कि P की मान लीजिए कोई बहन हो और बहन का हस्बैंड हो S, तब भी S ब्रदर इन लॉ होगा. दूसरा केस क्या है कि P की वाइफ हो जाए और P की वाइफ का भाई, वो भी S ब्रदर इन लॉ कहलाएगा. और तीसरा केस क्या है कि P की कोई सिस्टर इन लॉ, दैट मींस P की कोई साली हो और उनका हस्बैंड हो और वो भी वो S हो, तब भी इस केस में वो ब्रदर इन लॉ ही कहलाएगा. तो देखिए, ब्रदर इन लॉ की तीन पॉसिबिलिटी हो सकती है. तो अभी हम यहाँ पर कुछ डेफिनेट बता नहीं सकते, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे कि S और स्मॉल में लिख लेंगे ब्रदर लॉ ऑफ P. तो इसी तरह आप एग्जामिनेशन में भी करना, कोई आप अपनी इन्फॉर्मेशन ब्लड रिलेशन की स्किप नहीं करना. एक बार आप ऐसा पढ़ना अपने क्वेश्चन को और चीज़ें ऐसे नोट डाउन कर लेना आप अपने रफ शीट में कि आपको दोबारा नीड ना हो कि आप स्क्रीन में फिर से देखो. ओके, अब आगे पढ़ते हैं. आगे क्या बोल रहा है, आर इज़ दी ओनली सन ऑफ पी. अब आर इज़ दी ओनली सन ऑफ पी, तो यहाँ पे आर यानी इकलौता बेटा है. अब ज़रूरी नहीं है कि आर सिर्फ मतलब बेटा, सिंगल चाइल्ड नहीं है, ज़रूरी नहीं है. बस ये पता है कि आर इकलौता बेटा है, मतलब अगर पी का और कोई चाइल्ड होगा तो वो फीमेल ही होगी. ठीक है, एंड इज़ मैरिड टू टी. अब एंड किसके लिए यूज़ हो रहा है, एंड हमारे आर के लिए यूज़ हो रहा है. तो आप यहाँ पे लिख लो कपल का साइन लगा कर, और यहाँ पे आपकी टी आ जाएगी. फिर क्या बोल रहा है, यू इज़ मदर इन लॉ ऑफ टी. अगर यू मदर इन लॉ ऑफ टी है, दैट मीन्स वो आर की मम्मी हो जाएगी. तो जैसे यू आर की मम्मी हो जाएगी तो पी कौन हो जाएगा, पी इनका पापा हो जाएगा. और ये हमने बना लिया. आगे क्या बोल रहा है, पी हैज़ नो सिबलिंग्स. पी के देखिए, जैसे ही पता चला हमारा पी का कोई सिबलिंग नहीं है, तो यहाँ पे ब्रदर इन लॉ की जो हमने एक पॉसिबिलिटी बनाई थी कि पी की कोई बहन हो और उसका हस्बैंड ऐसा हो, तो हमारी वो तो पॉसिबिलिटी एलिमिनेट हो गई. और क्या बोल रहा है, यू हैज़ नो सिस्टर. अब जैसे ही पता चल गया यू की कोई बहन नहीं है, तो हमने जो एक और पॉसिबिलिटी बनाई थी कि पी के साली की हस्बैंड हो जाएगा एस, तो वो वाली पॉसिबिलिटी भी हमारी एलिमिनेट हो गई. तो अब हमारी वन एंड ओनली पॉसिबिलिटी बची कौन सी, कि पी का साला ही होगा एस. तो यानी यहाँ पे हम सिंगल लगाएंगे जो कि है हमारा सिबलिंग्स के लिए, और यहाँ पे आपका हो जाएगा एस, और एस क्या हो जाएगा, एस आपका मेल हो जाएगा. अब टोटल पर्सन कितने हैं हो गए देख लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 and 6. हाँ, तो टोटल 6 पर्सन हो गए, तो ये हमारी फाइनल अरेंजमेंट हो गई. क्वेश्चन देखते हैं, हाउ इज़ यू रिलेटेड टू क्यू. अब देखिए, यू यहाँ पे है, क्यू यहाँ पे है. यू कौन लगेगा, यू ग्रैंड मदर लगेगी, किसकी लगेगी, क्यू की. तो दैट मीन्स हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी. इफ़ एम इज़ सिस्टर ऑफ टी, तो यानी एम इसकी सिस्टर है, देन हाउ इज़ आर रिलेटेड टू एम. तो आर कौन लगेगा, आर एम का जीजा जी लगेगा, दैट इज़ इंग्लिश में बोलते हैं ब्रदर इन लॉ, जो कि हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं. इस वाली पजल को भी सबसे पहले आप ब्लड रिलेशन को वीडियो पॉज करना और खुद से ट्राई कर देखना कि आपको कितना टाइम लगता है. चलिए डायरेक्शन पढ़ते हैं. देयर आर 11 फैमिली मेम्बर्स इन अ फैमिली. ओके, डी इज़ फादर ऑफ एच. तो डी इज़ फादर ऑफ एच, दैट मीन्स डी हमारा जनरेशन सेकेंड में आएगा या फर्स्ट जनरेशन भी हो सकती है, मतलब डी ऊपर कहीं आ जाएगा और डी फादर हो जाएगा, और किसका हो जाएगा, एच का हो जाएगा. ओके,
आगे क्या बोल रहा है, आर इज़ ब्रदर इन लॉ ऑफ एच। अब देखिए ब्रदर इन लॉ का अभी फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि तीन पॉसिबिलिटी होती है, तो अभी हम इसको यूटिलाइज नहीं कर सकते, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं आर ब्रदर लॉ ऑफ एच। अब देखिए ये जो इन्फॉर्मेशंस होती है ना, जो आप यूटिलाइज़ नहीं कर सकते हो बट आपको लिखनी नीड है, वो आपका खुद का तरीका होना चाहिए और आप जितना शॉर्ट में लिख सकते हो उतना शॉर्ट में लिखना। आपको वहाँ किसी को अपनी रफ शीट नहीं चेक करानी है कि आपने चीज़ें लिखी कैसे, बस आपको जल्दी से लिखना है। और ऐसे अब इतना भी शॉर्ट मत लिख देना कि आप बाद में खुद ही ना समझ पाओ, बस इतना शॉर्ट लिखना आप कि आपको जब आप अपना पज़ल या कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करो तो आपको पता चले कि आपने एक्चुअल चीज़ लिखी क्या थी। ठीक है, यहाँ तक हमने पढ़ लिया। आगे क्या बोल रहा है, एन इज सन इन लॉ ऑफ आर। अगर देखिए एन सन इन लॉ है, दैट मीन्स आर की कोई बेटी होगी और उसका हस्बैंड कौन हो जाएगा, उसका हस्बैंड हो जाएगा एन। तो देखिए अब इसको ड्रॉ कैसे करेंगे कि आर है, आर की कोई बेटी और उनका हस्बैंड कौन है, उनका हस्बैंड है एन। ठीक है, तो हमने एक ये बना लिया। आगे क्या बोल रहा है, पी इज़ दी ओनली डॉटर ऑफ जे। अब पी क्या है, पी ओनली डॉटर है। अब ओनली डॉटर है तो आप यहाँ पे छोटा सा ओनली लिख लो, और है किसकी, है जे की, तो यहाँ पे जे आ जाएगा। अब हमें जे का भी जेंडर नहीं पता है। आगे क्या बोल रहा है, के इज सिस्टर इन लॉ ऑफ जे। अब जे की सिस्टर इन लॉ दो तरीके से हो सकती है, या तो जे की भाभी हो सकती है, तीन तरीके से एक्चुअली हो सकती है। सबसे पहला केस क्या होगा, जे कैसे सिस्टर इन लॉ होगी, मान लीजिए जे का कोई भाई हो जाएगा और उसकी वाइफ हो जाएगी के, और वो भी हो जाएगी, वो हो जाएगी जे की सिस्टर इन लॉ। लेट से ये भी हो सकता है कि जे की कोई साली हो तब भी वो सिस्टर इन लॉ होगी, और ये भी हो सकता है जे का कोई साला और उनकी वाइफ हो वो भी सिस्टर इन लॉ होगी। तो इसमें देखिए तीन केस बन रहे हैं, तो हम अभी यहाँ पे कुछ एक्चुअली कह नहीं सकते, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे कि के, और यहाँ पे आप लिख लो सिस्टर और लिख लो लॉ, के सिस्टर इन लॉ है किसकी, है जे की, तो हमने ये लिख लिया। आगे क्या बोल रहे हैं, एम इज़ ग्रैंडसन ऑफ जी। अगर एम ग्रैंडसन है तो दैट मीन्स एम हमारा कहीं नीचे आ जाएगा और इसका हमारा जेंडर हो जाएगा मेल, और जी हमारा कहीं ऊपर आ जाएगा। आगे क्या बोल रहे हैं, डी इज़ फादर इन लॉ ऑफ के। डी फादर इन लॉ है, दैट मीन्स डी का कोई बेटा या बेटी होगा और उसका स्पाउस कौन हो जाएगा, उसका स्पाउस के हो जाएगा। अब देखिए स्पाउस क्या होता है, स्पाउस आप हस्बैंड वाइफ दोनों को बोल सकते हो। ठीक है, आगे क्या बोल रहे हैं, एच इज़ फादर ऑफ टी। तो इसको क्या आप लिख सकते हो, हाँ यहाँ पे लिख लेते हैं कि एच जो है, एच इज़ फादर ऑफ टी। तो यहाँ पे हमने इन्फॉर्मेशन लिखी थी तो यहीं पे लिख लेते हैं, यहाँ पे हमें एच का जेंडर पता चल गया और इसका बच्चा कौन है, इसका बच्चा है हमारा टी। ठीक, आगे क्या बोल रहा है, एच इज़ ब्रदर ऑफ जे। अब एच इज़ ब्रदर ऑफ जे बोल रहा है तो यहाँ पे आप बना लो और जे आपका आ जाएगा यहाँ पे। अब जे का हमें जेंडर नहीं पता है, जे मेल भी हो सकता है फीमेल भी हो सकता है, बट एक चीज़ आप यहाँ पे और लिख सकते हो कि पी क्या है, ओनली डॉटर है जे की, तो हमने ये वाली पॉसिबिलिटी यहीं पर अटैच कर ली। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है, के हैज़ नो ब्रदर्स। ठीक, तो आप यहाँ पे नोट डाउन कर लिख सकते हो कि के हैज़ नो, यहाँ पे आप रख लो नो ब्रदर। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है, जी मैरिड विथ डी। अब जी की शादी डी से हुई है तो यहाँ पे आप डी को लिख लो, डी को जैसे ही आपने लिखा तो यानी यहाँ पे डी का कोई बेटा या बेटी होगा और उसका स्पाउस कौन है, उसका स्पाउस है के, तो हमने ये यूज़ कर लिया, तो इसको आप काट दो। ठीक है, अब डी को आपने बैठाया तो अब इस वाले को बैठा कर देखो कि अगर आपने डी को यहाँ पे बैठा दिया, डी यहाँ पे हो गया। अब आप फिक्स नहीं कर सकते, एच यहाँ भी हो सकता है, मे बी इसका जो दूसरा बच्चा हो वो एच हो। ठीक, तो अभी एच और जे को हम फिक्स नहीं कर सकते, तो इसको अभी हमें होल्ड पे रखेंगे। आगे क्या बोल रहा है, जी हैज़ ओनली वन सन एंड वन डॉटर। तो देखिए डी और जी अगर मैरिड कपल है तो अगर ये सन हो गया दैट मीन्स ये डॉटर हो जाएगी। ठीक, तो ये तो हमें इसका भी जेंडर पता चल गया। फिर क्या बोल रहे हैं, एम इज़ नॉट चाइल्ड ऑफ के। तो अब देखिए एम यहाँ पे नहीं आएगा और हमने यहाँ पे दूर बनाया था तो हमें यहाँ पे इरेज करने की ज़रूरत भी नहीं है कि मतलब एम का चाइल्ड नहीं होगा, एम इज़ नॉट मतलब एम चाइल्ड नहीं होगा के का, मतलब यहाँ पे जो पर बच्चा आएगा डी का उसका बेटा या बेटा हो जाएगा एम। ठीक, फिर आगे क्या बोल रहा है, के इज़ मदर इन लॉ ऑफ वाई। अब जैसे ही पता चला के इज़ मदर इन लॉ ऑफ वाई तो आप यहाँ पे फीमेल का साइन बना दो और यहाँ पे आप मेल बना दो। अब मदर इन लॉ है किसकी, है किसकी, है वाई की है, तो अब वाई इसका बेटा या बेटी हो जाएगा और उसका स्पाउस कौन होगा, वाई, तो आप एक यहाँ पे अरेंजमेंट बना दो। अब देखिए ये वाला जो अरेंजमेंट है इसको हम यहाँ पे कैसे सेट करेंगे, देखिए एक यहाँ पे मेल बच्चा है डी का और एक फीमेल है, और यहाँ पे स्पेस हमने किसका साइन बनाया, हमने मेल का ही बनाया, दैट मीन्स हमारा डेफिनेटली एच यहाँ पे आ जाएगा। एच जैसे ही आ जाएगा तो इसका सिबलिंग कौन है, एक सिबलिंग है हमारा जे, दैट मीन्स हमारा जे यहाँ आ जाएगा और जे है एक फीमेल। अब जे का एक बच्चा पी भी है
तो यहाँ पे आप पी बना दो और ये दोनों कौन हो जाएंगे, ये दोनों इस केस में भाई बहन हो जाएंगे। अगर एच की आप बात करते हो तो टी यहाँ भी आ सकता है, ये भी हो सकता है कि एच का एक और बच्चा हो, तो अभी इसको हम फिक्स नहीं कर सकते। हमसे बोल रहा था आर ब्रदर इन लॉ है, किसका ब्रदर इन लॉ है, एच का, तो अगर एच हमारा यहाँ पे दैट मीन्स डेफिनेटली आपका आर यहाँ पे आ जाएगा और ये एक मेल हो जाएगा और इन दोनों ये दोनों कपल हो जाएंगे। एक चीज़ यहाँ पे और कर सकते हैं कि ये अगर मेल है तो ये फीमेल हो जाएगा और इन दोनों के बच्चे कौन है, एक जे है और एक एच है, ठीक है। हमने जैसे ही आर को फिक्स किया तो हमें पता चला आर का कोई एक बेटी और उसका हस्बैंड कौन है, उसका हस्बैंड एन है। तो देखिए यहाँ पे अगर आप एक और बच्चा इसका बनाओगे तो हमारा परसेंट 11 से ज़्यादा हो जाएंगे, तो यानी वो बेटी जो जिस बेटी की बात हो रही थी वो पी हो जाएगी और पी का हस्बैंड कौन हो जाएगा, पी का हस्बैंड हमारा एन हो जाएगा। तो एन फिक्स कर लिया, जैसे ही हमने एन फिक्स करा आप इसको काट दो। फिर यहाँ पे जे हो गया हमारा पी, ये फिक्स हो गया तो इसको भी आप काट दो। एच हो गया तो यहाँ पे आप टी लिख लो। पहले परसेंट जोड़ो कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, तो देखिए डेफिनेटली यहीं पे रखना पड़ेगा, तो यहाँ पे रखना पड़ेगा, तो यहाँ पे हम रखेंगे किसको, हम टी को रखेंगे यहाँ पे, तो हमारा टी यहाँ पे आ जाएगा। अभी हमें टी का जेंडर नहीं पता है कि टी मेल है कि फीमेल है, ठीक है। फिर देखिए आर इज़ ब्रदर इन लॉ ऑफ एच, एच तो ये हमने यूज़ कर लिया। फिर के इज़ सिस्टर इन लॉ ऑफ जे, तो हाँ ये भी हमने यूज़ कर लिया। फिर क्या बोल रहा है, के हैज़ नो ब्रदर, तो के हैज़ नो ब्रदर, ठीक, ये भी हमने यूज़ कर लिया। अब देखिए इसमें इन दोनों का, इस केस में इन दोनों का हमें जेंडर नहीं पता, ठीक है। तो चलिए इसके रिगार्डिंग अब जो क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए मैं आपसे बोल रही हूँ कि मैं सबसे पहले ये जो हमने डायग्राम यहाँ पर ड्रॉ करा है इसको मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको कॉपी करके तब बताती हूँ, सो जस्ट वेट अ सेकेंड। हाँ तो देखिए मैंने यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन था उसको मैंने कॉपी कर लिया है और चलिए आइए इसके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हाउ इज़ के रिलेटेड टू एम, तो देखिए के रिलेटेड टू एम कैसे हो जाएगा, के हमारा अंकल हो आंट हो जाएगी, एम की एम यहाँ पे है और के हमारी क्या हो जाएगी, आंट हो जाएगी, दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी। फिर आगे क्या बोल रहा है, हाउ इज़ जी रिलेटेड टू आर, तो जी आपका यहाँ पे, आर यहाँ पे, अब आर कौन है, आर वाइफ, आर हस्बैंड है जे का, तो जी क्या हो जाएगी, जी इनकी मदर इन लॉ हो जाएगी, दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए। फिर देखिए हाउ मेनी फीमेल मेंबर इन अ फैमिली, अब देखिए यहाँ पे कुछ बच्चे आंसर लगाएंगे सी एन डी, बट आप एक्चुअली अगर थोड़ा सा सोच कर देखो क्या ऑप्शन हमारा सी एन डी होगा, नहीं, देखिए हमारा ऑप्शन सी एन डी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, इसका मैं आपको रीज़न बताती हूँ। देखिए वाई और टी को ऑल्दो हमें जेंडर नहीं पता है बट अगर ये दोनों कपल है तो यानी एक मेल और एक फीमेल हो जाएगा, हाँ बिल्कुल हो जाएगा। तो देखिए एक फीमेल तो यहाँ पे डेफिनेटली आएगा, या तो वो वाई होगा या तो वो टी होगा, तो अब एक लेना ही है डेफिनेटली यहाँ पे, तो एक यहाँ पे फीमेल हो जाएगा और जो और सबका तो हमें जेंडर पता है, तो कैलकुलेट कर लेते हैं, 1 यहाँ पे देन 2 देन 3 देन 4 देन 5, तो यानी टोटल कितने हो जाएंगे, हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब चलिए इस वाले में भी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप वीडियो को पॉज करो, इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करो और फिर टाइम देखना कि आपको टाइम कितना लगता है। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या बोल रहे हैं, देयर आर 14 मेंबर्स इन अ फैमिली, ओके, पी इज डॉटर ऑफ एम एंड वाइफ ऑफ एस, एंड किसके लिए यूज़ हो रहा है, एंड हमारे पी के लिए यूज़ हो रहा है, तो इसको बना लेते हैं कि पी इज डॉटर, किसकी डॉटर है, एम की है, एंड वाइफ किसकी है, वाइफ है एस की, दैट मीन्स एस मेल हो जाएगा जो कि इसका हस्बैंड है। फिर क्या बोल रहा है, ए सिस्टर इन लॉ ऑफ पी, तो अभी मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में बता चुके हैं कि सिस्टर इन लॉ की भी 3 पॉसिबिलिटी बनती है, तो इसको हम डेफिनेट कुछ कह नहीं सकते, तो यहाँ पे लिख लेंगे कि ए हो जाएगी, कौन हो जाएगी, सिस्टर लॉ हो जाएगी पी की, तो हमने यहाँ पे इसको ऐसे शॉर्ट में लिख लिया। आगे क्या बोल रहे हैं, एन इज़ मदर इन लॉ ऑफ ए, तो एन क्या है, एन हमारी मदर इन लॉ है, किसकी है, ए की है, यानी यहाँ पे के ए का स्पाउस आ जाएगा, ठीक, और जो कि चाइल्ड होगा किसका होगा, एन का होगा। आगे क्या बोल रहा है, एन एच इज सन ऑफ टी, अब एच किसका सन है, एच इज सन ऑफ टी, तो इसको हमने यहाँ पे ऐसे ड्रॉ कर लिया। आगे क्या बोल रहा है, एल इज सिस्टर ऑफ के, तो इसको भी यहाँ पे हम लिख लेंगे, एल इज सिस्टर और किसकी सिस्टर है, के की है, तो हमने इसको यहाँ पे ऐसे बना लिया। आगे क्या बोल रहा है, सी इज मैरिड टू डी, अब यहाँ पे अभी आप हाँ अरेंज नहीं कर सकते, हम लिखते जाएंगे अपनी, सी इज मैरिड टू डी, अब सी और डी का हमें अभी जेंडर नहीं पता है। फिर क्या बोल रहा है, बी इज सन ऑफ एस, अब जैसे ही पता चला बी इज सन ऑफ एस, तो हाँ इसको हम डेफिनेटली रख सकते हैं और यहाँ पे आपका बी आ जाएगा और ये सन हो जाएगा किसका, एस का हो जाएगा। फिर क्या बोल रहा है, एंड एफ इज डॉटर ऑफ पी, एफ डॉटर है पी की, और अगर पी और एस कपल है दैट मीन्स बी का सिबलिंग कौन होगा, बी का सिबलिंग हो जाएगी एफ, दैट इज उसकी बहन हो जाएगी, और हम लोग यहाँ पे सिंगल लगा देते क्योंकि सिबलिंग को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं विद अ सिंगल लाइन, ठीक। फिर आगे क्या बोल रहा है, ए इज़ नॉट सिस्टर ऑफ एस, तो इसको भी हम लिख लेंगे कि ए इज़ नॉट सिस्टर ऑफ
एस, ये हमने लिख लिया। आगे क्या बोल रहा है, जे इज ब्रदर ऑफ पी। अब जे इज ब्रदर ऑफ पी तो इसको कैसे लिखेंगे, जे इज ब्रदर ऑफ पी, ये हमने लिख लिया। ठीक, अब देखिए यहाँ पे पी अगर हमारा फिक्स है तो हम जे को भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे जे इज ब्रदर ऑफ पी। इसको हमने यूटिलाइज कर लिया, इसको काट देंगे। फिर क्या बोल रहे हैं, एम हैज़ ओनली वन सन एंड वन डॉटर। तो यानी इसमें क्या है, एम का एक डॉटर और एक बेटा है, तो एक डॉटर तो यहाँ पता चल गई, दैट मीन्स इसका एक कोई बेटा भी हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमने फिक्स कर लिया। फिर क्या बोल रहा है, टी इज सिस्टर ऑफ एस। अब टी इज सिस्टर ऑफ एस एंड वाइफ ऑफ के, तो इसको कैसे हम लिखेंगे, देखिए इसका जो भाई है, सॉरी ये थोड़ा सा रॉन्ग हो गया यहाँ पे, एक सेकेंड। देखिए एम का एक चाइल्ड बेटी थी, कौन थी, पी, और फिर क्या बोल रहा था, एम हैज़ ओनली वन एंड ओनली वन डॉटर एंड ओनली वन सन। तो अगर एक ये डॉटर हो गई तो उस ओनली सन की बात क्या हो रही, उस ओनली सन की बात जे हो रही, तो हमने जे यहाँ बना लिया। फिर क्या बोल रहा था, टी इज सिस्टर ऑफ एस। अगर टी सिस्टर ऑफ एस है तो हम टी को यहाँ पे लिख सकते हैं, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, और टी की एक सिस्टर हो जाएगी। जैसे ही हमने टी को लिखा तो वैसे ही हमें एक चीज़ें पता चल जाएगी कि एच इसका बेटा, तो यहाँ पे आप लिख लो कि एच टी का बेटा हो जाएगा। फिर क्या बोल रहा है, एंड वाइफ ऑफ के। तो अब एंड किसके लिए यूज़ हो रहा है, एंड हमारे टी के लिए यूज़ हो रहा है, दैट मीन्स टी का हस्बैंड कौन हो जाएगा, टी का हस्बैंड हमारा हो जाएगा के। तो यहाँ पे ये हमने इसको ड्रॉ कर लिया। फिर क्या बोल रहा है, सी इज मदर ऑफ एल। तो अब देखिए अभी हम एल और के को यहाँ पे फिक्स पहले कर लेते हैं, फिर तभी तो हम सी को बैठा पाएंगे। तो देखिए एल की बहन कौन है, एल की बहन के है, एल बहन है के की, तो हमारा एल यहाँ पे आ जाएगा। फिर क्या बोल रहा है, सी इज़ मदर ऑफ एल, दैट मीन्स इन दोनों की मदर कौन है, इन दोनों की मदर हमारी सी। और यहाँ पे बोल रहा था सी एंड डी आर मैरिड कपल, तो यहाँ पे हम बना लेंगे सी एंड डी आर मैरिड कपल। फिर आगे क्या बोल रहा है, ए सिस्टर इन लॉ ऑफ पी। अब देखिए ए आपका सिस्टर इन लॉ है पी का, तो हम कहाँ पे लिख सकते हैं, ए सिस्टर इन लॉ ऑफ पी। तो देखिए अगर हम ए को यहाँ भी कर सकते हैं, बट देखिए ए और एन वाला पहले हम यहाँ पे अटैच करते हैं। देखिए यहाँ पे ए सिस्टर ऑन लॉ ऑफ पी है, तो यानी ए हमारी फीमेल हो जाएगी, ए हमारी फीमेल हो जाएगी, तो डेफिनेटली ये एस की हो जाएगी वाइफ, क्योंकि हमारे पी एक लौते बेटा और बेटी है किसके हैं, एम के, दैट मीन्स हमारा एन यहाँ पे आ जाएगा, और एन और हमारे कौन हो जाएंगे, मैरिड कपल हो जाएंगे। ये फीमेल होगी तो ये हमारा मेल हो जाएगा, ये दोनों मेल फीमेल हो गए, और आप ए को यहाँ पे बैठा दो। तो देखिए अब टोटल पर्सन आप पहले कैलकुलेट कर लो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, तो देखिए हमारे टोटल पर्सन हो गए। तो देखिए जेंडर कुछ लोगों का नहीं पता, तो उसको हम पहले डिटरमाइन कर लेते। पहले देखते हैं हमने यूटिलाइज़ क्या किया, इसको हमने यूज़ कर लिया, इसको हमने यूज़ कर लिया। फिर ए इज़ नॉट सिस्टर ऑफ एस, तो हाँ ये तो हमारा डेफिनेट हमें पता चल गया था कि ए सिस्टर नहीं होगी एस की, ठीक, तो इसको भी आप काट दो। फिर सी एंड डी ये भी हमने यहाँ पे फिक्स कर लिया। फिर क्या बोल रहा था, टी का ये सन होगा, ये भी हमने यूज़ कर लिया। फिर एल और के हमने इसको यूज़ कर लिया, ठीक। अब देखिए यहाँ पे बोल रहा था सी इज़ मदर ऑफ एल, जैसे ही सी मदर होगी तो हमारा डी फादर हो जाएगा। तो देखिए ये हमारी फाइनल अरेंजमेंट हो गई। अब इसके रिगार्डिंग जो क्वेश्चन है, चलिए उसको सॉल्व कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हाउ इज़ डी रिलेटेड टू एच। डी इज़ क्या हो जाएगी, डी हमारा हो जाएगा ग्रैंड फादर, दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसमें। फिर क्या बोल रहा है, हाउ इज़ ए रिलेटेड टू एफ। ए यहाँ पे है, एफ यहाँ पे है, ए क्या हो जाएगी, ए आंट हो जाएगी, क्योंकि एस के दो बच्चे हैं, वो बच्चे कौन है, एफ और बी हैं, तो और ए क्या हो जाएगी, ए हमारी इस केस में हो जाएगी आंट, जो कि है ऑप्शन नंबर सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसमें बोल क्या रहा है, देयर आर 11 मेंबर्स इन अ फैमिली। ओके, पी इज़ मदर ऑफ डी, तो इसको आप लिख कैसे सकते हो, पी इज़ मदर ऑफ, और किसकी मदर है, डी की मदर है, एक सेकेंड, पी इज़ मदर ऑफ डी, ठीक। अब हमें डी का भी जेंडर नहीं पता है। आगे क्या बोल रहे हैं, एस इज सन ऑफ जे, तो इसको आप यहाँ पे लिख लो कि एस बेटा है किसका बेटा है, जे का बेटा, इसको बॉक्स में कर लो। ए इज सन इन लॉ ऑफ जे, दैट मीन सन इन लॉ है, तो मतलब जे की कोई एक बेटी होगी, और उसका हस्बैंड कौन हो जाएगा, उसका हस्बैंड हो जाएगा ए, ठीक। तो ये हमने इन्फॉर्मेशन ड्रॉ कर ली। अब जैसे ही ए हस्बैंड हो जाएगा, दैट मीन्स ए आपका मेल होगा, तो ये हमने लिख लिया। आगे क्या बोल रहा है, के हैज़ ओनली वन सन एंड टू डॉटर, तो इसको हम यहाँ पे बना लेंगे कि के का एक बेटा है और दो बेटियाँ हैं, ठीक। फिर क्या बोल रहा है, सी इज़ मदर ऑफ बी, सी मदर है, और किसकी मदर है, बी की मदर है, ये हमने लिख लिया। फिर क्या बोल रहा है, पी इज़ डॉटर इन लॉ ऑफ एच। अब पी अगर डॉटर इन लॉ ऑफ एच है, दैट मीन्स पी का कोई हस्बैंड हो जाएगा, और उसके मम्मी या पापा हो जाएंगे, कौन हो जाएंगे, एच हो जाएंगे, ये हमने लिख लिया। फिर क्या बोल रहा है, के इज़ मदर ऑफ एल,
अब के मदर हो जाएगी तो के यहाँ पे आ जाएगी और इन तीनों में से कोई एक उसका चाइल्ड होगा और उसका नाम क्या होगा, उसका नाम होगा एल, तो ये हमने बना लिया। फिर क्या बोल रहा है, ए इज़ नॉट मैरिड टू पी, यानी यहाँ पे पी नहीं आएगी, ए की शादी पी से नहीं हुई है। फिर क्या बोल रहा है, सी एंड एच आर मैरिड एंड हैज़ ओनली वन सन। अब एच हमने यहाँ पे डेफिनेट लिखा है तो आप सी यहाँ पे लिख लो, सी को आप लिखोगे, फिर बोल कह रहा है एंड हैज़ ओनली वन सन। अब देखिए यहाँ पे एक बात हो रही थी कि सी का एक बच्चा है जो कि है बी, बट क्या आप ये डेफिनेटली कह सकते हो कि सिर्फ बी ही उसका एक बच्चा हो? हाँ हाँ आप नहीं कह सकते हो, तो आप यहाँ पे सी लिख लो। सी का जेंडर क्या हो जाएगा, सी का जेंडर हो जाएगा फीमेल, और एच का जेंडर क्या हो जाएगा, एच का जेंडर हो जाएगा मेल, और इसका एक बच्चा बी यहाँ पे आ सकता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे बोल रहा था सी एंड एच आर मैरिड एंड हैज़ ओनली वन सन, तो देखिए यहाँ पे भी था कि एच का कोई बेटा होगा और उसकी वाइफ है पी, तो जब यहाँ पे बोल दिया ओनली सन तो यहाँ पे, और यहाँ पे बी बोल रहा था तो आप यहाँ पे बी रख सकते हो। हाँ बिल्कुल आप बी यहाँ पे रख सकते हो, तो आप बी यहाँ पे रख दो और ये दोनों मैरिड कपल हो गए। आगे क्या बोल रहे हैं, एस इज़ अनमैरिड, तो यहाँ पे आप इसके नीचे लिख लो एस इज़ अनमैरिड। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है, जी इज़ डॉटर ऑफ ए, तो यानी ए की बेटी कौन है, ए की बेटी है जी, और यहाँ पे आप लिख लो। फिर एल एंड एस आर सिबलिंग, एल और एस सिबलिंग है, दैट मीन्स यहीं पे आएंगे। अब जैसे ही पता चल गया एल या एस यहीं पे आएंगे, तो देखिए एस अनमैरिड है और है कौन, एक मेल है, तो यहाँ पे आप एस लिख लो। जैसे ही आप एस लिखोगे वैसे ही आप जे को भी फिक्स कर सकते हो, क्योंकि जे इन दोनों का पापा हो जाएगा, क्योंकि इनकी माँ कौन है, इनकी माँ के है। अब देखिए एल यहाँ रखो यहाँ रखो अभी मैटर नहीं करता, तो चलिए हम एल को यहाँ रख लेते हैं, बट ज़रूरी नहीं है कि एल की शादी ही ए से हुई हो, मे बी इसकी ये जो सिस्टर हो इसकी ये भी शादीशुदा हो और एल यहाँ ए सॉरी इसका भी हस्बैंड हो सकता है, तो अभी हम ए को डेफिनेट नहीं बता सकते। ठीक, आगे पढ़ते हैं, एल एंड एस ये हो गया। फिर डी इज नेफ्यू ऑफ एस, तो अब देखिए ये भी हो सकता है कि एल की शादी हुई और एल का बेटा हो डी, ये भी हो सकता है कि एस का ये जो वाली बहन है इसका बेटा हो जाए डी, तो अभी हम कुछ डेफिनेट बता नहीं सकते। बट देखिए यहाँ पे हमें एक चीज़ डेफिनेटली पता थी कि डी की मम्मी कौन है, डी की मम्मी हमारी पी है। अगर देखिए डी नेफ्यू, सबसे पहले डी का जेंडर डिटरमाइन कर लेते हैं जो कि होगा मेल। अगर पी इसकी माँ है तो क्या कभी एल यहाँ पे आ सकती, एल डी की माँ हो सकती, नहीं एल डी की माँ नहीं हो सकते, तो यानी हमारे जो एस था एस की एक बहन हो जाएगी पी। ठीक, अब एस की एक बहन हो गई पी, तो यहाँ पे आप इसके और सारे भाई बहन को लिख लो, तो एक तो हो जाएगा एल और एक कौन हो जाएगा, एक हो जाएगा हमारा एस, और ये तीनों भाई बहन हो गए, ये तीनों भाई बहन हो गए और इनके माता पिता कौन हो जाएंगे, इनके मम्मी पापा हो जाएंगे, जे पापा हो जाएंगे और के इनकी हो जाएंगी माँ। ये यानी हमने ये वाली पूरी इन्फॉर्मेशन अपनी यूज़ कर ली। अब हमने सी और बी को यूज़ किया, हाँ हमने सी और बी को भी यूज़ कर लिया, हमने यहाँ पे अपना क्वेश्चन पूरा पढ़ लिया, अब इसी को बस हमें सेट करना है। देखिए एस अनमैरिड है, हाँ एस की शादी नहीं होगी, जे हमने यूज़ कर लिया। अब देखिए इसमें बोल रहा था कि ए की शादी पी से नहीं हुई, तो यानी ए की शादी हुई किससे, ए की शादी एल से हुई, दैट मीन्स आपका ए आ जाएगा यहाँ पे, और भाई बहन कौन हो जाएंगे, भाई बहन एस और एल है। ठीक, फिर क्या बोल रहा था, ए का बेटी है जी, तो यहाँ पे जी आपकी आ जाएगी। अब पर्सन कैलकुलेट कर लेते हैं, पर्सन हुए कितने, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह, टोटल 11 पर्सन है और यहाँ भी 11 मेंबर्स की फैमिली, तो यानी यही हमारा फाइनल अरेंजमेंट हो जाएगा। अब चलिए इसके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्या पूछ रहा है, हाउ इज़ बी रिलेटेड टू जे, बी कौन लगेगा, बी हमारा यहाँ पे, सबसे पहले देखते हैं बी हमारा यहाँ पे है और हमारा जे यहाँ पे है, और बी जे की बेटी कौन है, पी, और पी का हस्बैंड है बी, हस्बैंड है दैट मीन्स दामाद होगा, और दामाद को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सन इन लॉ, दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी। फिर क्या बोल रहा है, हाउ इज़ डी रिलेटेड टू के, डी यहाँ है के यहाँ है, डी कौन हो जाएगा, ग्रैंड सन हो जाएगा, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी। फिर क्या बोल रहा है, हाउ इज़ ए रिलेटेड टू डी, अब देखिए ए क्या है, ये अंकल हो जाएगा क्योंकि पी का ये बेटा है और ये दोनों सिबलिंग है, और एल का हस्बैंड कौन है, एल का हस्बैंड ए है, दैट मीन्स हमारा ए कौन हो जाएगा, ए हमारा अंकल हो जाएगा डी का। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इसमें भी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप वीडियो पॉज करो, क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने का ट्राई करो। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, इसमें क्या बोल रहे हैं, देयर आर 10 मेंबर्स इन अ फैमिली, ई इज़ सन ऑफ ए, तो हाँ इसको आप क्या लिख सकते हो, हाँ इसको हम डेफिनेटली लिख सकते हैं, तो इसको हम यहाँ पर लिख लेंगे, क्या लिखेंगे, ई इज़ सन, और सन किसका है, ए का। फिर क्या बोल रहा है, हु इज़ डॉटर ऑफ जे, अब हु किसके लिए यूज़ हो रहा है, हु हमारे ए के लिए यूज़ हो रहा है, दैट मीन्स इसको चलिए थोड़ा सा नीचे बनाते ताकि हमें ऊपर स्पेस मिले, तो देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, ई सन है, ई सन है, और किसका है, ए का है, ए जो की है बेटी, किसकी बेटी है, जे की,
ठीक, ये बन गया। फिर क्या बोल रहा है, डी इज सिस्टर इन लॉ ऑफ ए। अब देखिए इसमें अभी तीन पॉसिबिलिटी है तो हम इसको यूज़ नहीं कर सकते, इसको हम यहाँ पे लिख लेंगे कि डी क्या है, सिस्टर लॉ है ऑफ ए। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है, पी इज़ मैरिड टू क्यू, तो यानी पी और क्यू कपल है। ठीक, ये हमने लिख लिया। फिर क्या बोल रहा है, एम इज सन ऑफ क्यू, यानी क्यू का सन कौन है, क्यू का सन एम है, तो ये हमने यहाँ पे बना लिया। के इज सन ऑफ एम, अब एम का सन कौन है, एम का सन है के, तो हमने यहाँ पे ये लिख लिया। फिर क्या बोल रहा है, एल इज सिस्टर इन लॉ ऑफ एम, एम की सिस्टर इन लॉ है एल, तो यहाँ पे भी लिख लेंगे एम सिस्टर लॉ ऑफ एल, ये हमने लिख लिया। सॉरी, एल सिस्टर इन लॉ है एम की, ये हमने थोड़ा सा गलत लिख लिया, इसको इरेज कर लेते हैं। एल सिस्टर इन लॉ ऑफ एम, ये हमने लिख लिया। फिर क्या बोल रहे हैं, एल इज डॉटर ऑफ सी, एल इज डॉटर ऑफ सी, ये हमने लिख लिया। पी इज नॉट फादर ऑफ एम, पी नहीं है फादर ऑफ एम। अगर देखें यहाँ पे हमने लिखा कि पी और क्यू का एक चाइल्ड है वो है एम, अगर पी फादर नहीं है दैट मीन्स पी मदर हो जाएगा, दैट मीन्स आपका क्यू हो जाएगा इनका पापा। फिर क्या बोल रहा है, ए हैज़ ओनली वन सिबलिंग, मतलब ए का सिर्फ एक भाई या बहन है, तो यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे। अब यहाँ पे भाई या बहन कुछ भी आ सकता है, बट हमने एक यहाँ पे साइन बना लिया कि बस इसका यहाँ पे एक ही भाई या बहन आएगा। फिर क्या बोल रहा है, सी इज़ मदर इन लॉ ऑफ एम, सी इज़ मदर इन लॉ ऑफ एम। अब ये भी हो सकता है कि हमारे एल का ही हस्बैंड हो जाए, ठीक, बट देखें यहाँ पे एक क्या बोल रहा था, एल इज़ सिस्टर इन लॉ ऑफ एम। ठीक, तो देखें यहाँ पे और यहाँ पे क्या बोल दिया, सी इज़ मदर इन लॉ ऑफ एम, दैट मीन्स एल का कोई सिबलिंग होगा, ठीक, और एम उसका हो जाएगा स्पाउस, तो हम यहाँ पे ये चीज़ तो ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक, फिर क्या बोल रहा है, सी इज़ मैरिड टू जे, अब सी की शादी किसकी हुई, किससे हुई है, जे से, और हमने जे को यहाँ पे बैठाया तो आप सी को भी यहाँ पे बैठा दो, सी और ये हो जाएंगे। अब सी इज़ मदर इन लॉ थी तो सी हमारी फीमेल हो जाएगी और जे हमारा मेल हो जाएगा। फिर क्या बोल रहा है, एल इज़ अनमैरिड, तो यहाँ पे आप लिख लो एल इज़, यहीं पे लिख लो आप एल इज़ अनमैरिड। अब जैसे ही एल एल अनमैरिड हो गया तो देखिए सी का एक चाइल्ड ये था और इसमें बोल रहा था कि जी ए का सिर्फ एक सिबलिंग है, तो वो एक सिबलिंग है कौन, वो सिबलिंग है एल, तो आप यहाँ पे एल लिख लो। आपने जैसे ही ए और एल को लिखा उसके बाद देखिए एम कौन था, एम हमारा, सॉरी सी सास थी एम की, तो अब अगर एल हमारा अनमैरिड है तो सी कैसे सास बनेगी एम की, इस तरीके से बनेगी कि ए की शादी होगी हमारे एम से, तो यहाँ पे एम हो जाएगा और ये हो जाएगा इसका हस्बैंड। ठीक, फिर देखिए एल इज़ सिस्टर इन लॉ ऑफ एम, तो हाँ एल इज़ सिस्टर इन लॉ ऑफ एम, ये हमने यूज़ कर लिया, ये भी हमने यूज़ कर लिया, इसको भी आप काट दो। अब देखिए ये वाली हमारी एक अरेंजमेंट बची है, तो सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले चलिए इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। डी इज सिस्टर इन लॉ ऑफ ए बोल रहा है, तो देखिए अगर ए का एक ही सिबलिंग है और वैसे भी इसकी शादी होती तो वो तो ब्रदर इन लॉ होता, तो डेफिनेटली एम की कोई बहन होगी, वही हो जाएगी डी, तो डी हमारी आ जाएगी यहाँ पे। अब इसको यूज़ करते हैं, एम का एक चाइल्ड बेटा है उसका नाम है के, तो यानी हमारा के यहाँ पे आ जाएगा, तो के हम यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक, उसके बाद क्या लिख सकते हैं हम, और देखिए ये दोनों भाई बहन हो जाएंगे, के और ई हमारे भाई बहन हो जाएंगे। एम को हमने लिख लिया, एम के बाद एम का पापा कौन है, एम का पापा है पी, सॉरी एम का पापा है क्यू, तो यहाँ पे क्यू लिख लो, और एम पी और क्यू मैरिड कपल है तो हमारा पी यहाँ पे आ जाएगा। एम और डी अगर भाई बहन है तो यानी ये दोनों इनके बच्चे होंगे, तो यहाँ पे आप ऐसे एरो ड्रॉ कर लो कि क्यू के बच्चे हैं डी और एम, तो हमारा देखें ये फाइनल अरेंजमेंट बन गया। अब इसके रिगार्डिंग जो क्वेश्चन है चलिए उनको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं टोटल हुए कितने मेंबर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मेंबर हो गए। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है कि हाउ इज़ क्यू रिलेटेड टू ए, क्यू आपका यहाँ पे है, ए आपका यहाँ पे है, तो क्यू क्या लगेगा, क्यू हमारा फादर इन लॉ हो जाएगा ए का, क्योंकि क्यू की बेटी बेटा है एम और एम की शादी हुई है ए से, तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। फिर क्या बोल रहा है, हाउ इज़ के रिलेटेड टू सी, तो देखिए के आपका यहाँ पे है, सी आपका यहाँ है, के क्या हो जाएगा, हमारा ग्रैंडसन हो जाएगा, जो कि है ऑप्शन नंबर डी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप वीडियो को पॉज करो और सबसे पहले क्वेश्चन खुद से सॉल्व करने का ट्राई करो। चलिए इसको देखते हैं, 7 फैमिली मेंबर्स ए सी जी एच के एन एंड एक्स आर इंटर रिलेटेड टू ईच अदर, ओके। फिर क्या बोल रहा है, ए इज ब्रदर ऑफ सी, तो यानी ए भाई है किसका है, सी का है। सी हु इज मैरिड टू जी, अब हु किसके लिए यूज हो रहा है, हु हमारे सी के लिए यूज हो रहा है, तो यानी सी की शादी किससे हुई है, जी से हुई है। ठीक, N इज़ ग्रैंड फादर ऑफ X, अब इसको हम कैसे लिखेंगे, N हो जाएगा कहीं ऊपर थर्ड जनरेशन में, और किसका है, N ग्रैंड फादर है X का, तो X हमारा फर्स्ट जनरेशन में आ जाएगा। फिर क्या बोल रहे हैं, N हैज़ टू चिल्ड्रंस, तो यानी N के दो बच्चे हैं।
फिर क्या बोल रहा है, जी इज़ मदर ऑफ एक्स, जी मदर हो जाएगी तो हमारा एक्स यहाँ पे हो जाएगा, एक्स यहाँ पे हो गया तो एन हमारा यहाँ पे था, एन आप यहाँ पे ऊपर लिख लो। फिर क्या बोल रहा है, जी इज़, ये हमारा हो गया। फिर क्या बोल रहा है, सी इज़ नेफ्यू ऑफ एच, तो सी हमारा नेफ्यू होगा, दैट मीन्स ये हमारा मेल होगा, अगर ये हमारा मेल होगा तो ये हमारी फीमेल हो जाएगी। और एच, अब देखिए नेफ्यू नेफ्यू होगा तो ये भी हो सकता है कि एन हो, एन एक मेल हो और एन का एक भाई हो, तब भी सी नेफ्यू हो जाएगा। और ये भी पॉसिबल है कि एन एक फीमेल हो और एन का जो भाई या बहन हो और वो हो जाए सी, उसका नेफ्यू हो जाए, ठीक। तो इसमें दो अभी पॉसिबिलिटी बन रही है, तो अभी हम इसको होल्ड पे रखते हैं। आगे क्या बोल रहा है, के इज सिस्टर इन लॉ ऑफ एच, तो लिख लेंगे हम के इज सिस्टर लॉ ऑफ एच। फिर क्या बोल रहा है, एस एक्स इज नीस ऑफ ए, अगर ये नीस है दैट मीन्स ये हमारी फीमेल हो जाएगी, तो आप लिख लो। अब देखो टोटल पर्सन कितने थे, 1 2 3 4 5, मतलब हमारे टोटल 2 पर्सन बचे हैं। तो देखो ऑफ एच, तो देखिए अब इसमें हम यूटिलाइज कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे बोल रहा था एंड एन इज ग्रैंड फादर, एंड ग्रैंड फादर दैट मीन्स ये एक मेल होगा और इसकी एक वाइफ फीमेल हो जाएगी। अगर के सिस्टर इन लॉ है तो आप के को बस यहीं पे तो रख सकते हो ना, हाँ, तो आपको के को यहाँ पे रखना पड़ेगा। और के सिस्टर इन लॉ ऑफ एच की है, दैट मीन्स एन का कोई भाई हो जाएगा, भाई या बहन हो जाएगा, और वो हो जाएगा एच। अब हमने देखे एच का कुछ भी पता नहीं है कि एच का जेंडर क्या है, ठीक। अब हम देख लेते हैं हमारे पर्सन कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7, हमारे 7 पर्सन हो गए। और इसमें बोल रहा था एन के 2 बच्चे, तो वो बच्चे कौन हो जाएंगे, एक ए हो जाएगा और एक हमारा सी हो जाएगा। क्वेश्चन फर्स्ट देखते हैं, हाउ इज़ एच रिलेटेड टू सी, तो देखिए एच का क्या आप जेंडर बता सकते हो, नहीं हम एच का जेंडर नहीं बता सकते, इसलिए हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी एंड डी। फिर क्या बोल रहा है, इफ़ वाई इज़ मैरिड टू एक्स, तो वाई इज़ मैरिड टू एक्स यानी एक मेल हो जाएगा। देन हाउ इज़ वाई रिलेटेड टू जी, तो वाई हमारा क्या हो जाएगा, हमारा वाई हो जाएगा सन इन लॉ, जो कि है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए इसको भी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप वीडियो पॉज करो, क्वेश्चन खुद से सॉल्व करने का ट्राई करो। चलिए देखते हैं इसमें बोल क्या रहे, देयर आर 12 पीपल इन अ फैमिली, फिर ठीक 12 लोगों की फैमिली है। आगे क्या बोल रहे हैं, आर इज सन ऑफ क्यू, तो यानी आर इज सन ऑफ क्यू, ये हमारा कुछ इस तरीके से बनेगा। फिर क्या बोल रहा है, पी इज मदर ऑफ एस, पी इज मदर ऑफ एस, ये हमने लिख लिया। फिर क्या बोल रहा है, बी इज डॉटर ऑफ ए, हु इज मैरिड टू आर, अब हु किसके लिए यूज हो रहा है, हु हमारे ए के लिए यूज हो रहा है। बोल क्या रहा है, बी इज डॉटर ऑफ ए, ए हु इज मैरिड टू आर, मतलब ये दोनों कपल हो जाएंगे, आर हमने ऑलरेडी यहाँ पे बैठाया था, तो हम ए को यहाँ पे रख देंगे और ए एक फीमेल हो जाएगी और इसका एक बेटी हो जाएगी जिसका नाम है बी। तो इसको यहाँ से हम इरेज कर लेते हैं, ये हमने यूज कर लिया। फिर क्या बोल रहे हैं, एच इज ब्रदर ऑफ ए, तो यहाँ पे आप लिख लो एच इज ब्रदर ऑफ ए। आगे एम इज डॉटर ऑफ डी, हु इज सन ऑफ टी, यानी एम इज डॉटर ऑफ, एम इज़ डॉटर ऑफ डी, हु इज़ सन ऑफ टी, अब हु किसके लिए यूज़ है, हु हमारे डी के लिए यूज़ है, हु इज सन ऑफ टी, तो हमारा ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा। फिर क्या बोल रहा है, यू इज़ फादर ऑन इन लॉ ऑफ एस, दैट मीन्स एस की शादी हुई होगी और इसके जो पेरेंट्स होंगे वो कौन होंगे, वो यू ससुर हो जाएंगे यू, तो यू यहाँ पे आ जाएगा और यू एक मेल हो जाएगा। फिर क्या बोल रहा है, आर एंड एस आर सिबलिंग, जैसे ही आर और एस सिबलिंग है तो आप एस को यहाँ पे बैठा दो, एस को आपने यहाँ पे बैठा दिया और एस की एक कोई वाइफ भी हो जाएगी और एस और आर के मम्मी कौन हो जाएंगी, पी हो जाएंगी, ठीक। जैसे ही हमारी एस और आर की मम्मी पी हो जाएंगी तो पी यहाँ पे हो जाएंगी, दैट मीन्स हमारे पी और क्यू मैरिड कपल हो जाएंगे, क्योंकि क्यू का चाइल्ड आर था तो हमने इसको यूज़ कर लिया। अब इनका एस की जो वाइफ है, सॉरी एस के जो हस्बैंड है उनकी पापा कौन हो जाएंगे, उनके पापा हमारे यू हो जाएंगे। अगर ये हमारा मेल यहाँ पे आना है एस का, तो हमारा एस कौन हो जाएगा, हमारे एस हो जाएंगे फीमेल, ठीक। फिर क्या बोल रहे हैं, एस आर एंड एस आर सिबलिंग हमने यूज़ कर लिया। फिर क्या बोल रहे हैं, एस मैरिड विथ टी, यानी डेफिनेटली हमारा डी यहाँ पे आ जाएगा, डी जैसे ही हमने यहाँ पे रखा, तो आप टी और एम को भी सेट कर सकते हो, तो यहाँ पे सेट कर लो, टी हमारा फीमेल हो जाएगा क्योंकि टी का ही चाइल्ड था डी, और यू अगर फादर है तो मदर ही हो जाएगी टी। फिर हम एम को सेट कर लेंगे, इन दोनों का चाइल्ड है, दैट इज़ डॉटर और है एम। फिर क्या बोल रहे हैं, एन इज सन ऑफ आर, अब आर का बेटा कौन है, एन है, तो आप यहाँ लिख लो और ये दोनों हमारे सिबलिंग हो जाएंगे एन और बी, ठीक। तो देखिए हमारे फाइनल अरेंजमेंट हो गए, सबसे पहले हम पर्सन टोटल चेक कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो हमारे टोटल 12 पर्सन है और 12 पर्सन यहाँ भी दिए थे, तो यानी हमने सारे पर्सन को यूज़ कर लिया।
तो ये हमारी फाइनल अरेंजमेंट है। चलिए इसमें क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हाउ इज़ पी रिलेटेड टू यू? तो देखिए पी आपका कहाँ है, यहाँ पे पी रिलेटेड टू ए, पी आपका यहाँ पे है, ए आपका यहाँ पे है, पी हो ए हो पी कौन होगा, पी सास होगी, दैट इज़ मदर इन लॉ, दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी। फिर क्या बोल रहा है, हाउ इज़ एम रिलेटेड टू टी? एम यहाँ पे है, टी यहाँ पे है, एम कौन हो जाएगी, एम हमारी हो जाएगी ग्रैंड डॉटर, दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी। सॉरी ऑप्शन ले, हम अपने 17th और 18th क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसमें भी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने का ट्राई करो। तो चलिए डायरेक्शन पढ़ते हैं, क्या बोल रहे हैं, देर आर 7 मेंबर्स एंड 3 जनरेशन फैमिली, तो मतलब टोटल 3 जनरेशन की फैमिली और टोटल 7 मेंबर्स हैं। आगे क्या बोल रहा है, एल इज़ दी ओनली डॉटर ऑफ एम, तो इसको लिख कैसे सकते हैं, एल डॉटर बना लो साइन, और ओनली किसकी है, एम की है, तो यहाँ पे एम हो जाएगा। आगे क्या बोल रहा है कि क्यू इज़ दी ओनली नेफ्यू ऑफ पी, तो मतलब क्यू यहाँ पे आ जाएगा और ओनली नेफ्यू पी की है, दैट मीन्स पी का कोई सिबलिंग होगा और उसका बेटा या बेटी हो जाएगा क्यू, बट यहाँ पे नेफ्यू बोला है तो यहाँ पे यानी हमारी हो जाएगा मेल, तो यानी क्यू का जेंडर क्या है, क्यू का हमारा जेंडर है मेल। आगे क्या बोल रहा है, ओ इज़ दी सन ऑफ के हु हैज़ टू चिल्ड्रेंस, अब हु किसके लिए यूज़ हो रहा है, हु के लिए यूज़ हो रहा है, तो इसमें आप लिख लो कि ओ इज़ दी सन ऑफ के हु हैज़ टू चिल्ड्रेन, दैट मीन्स यहाँ पे एक बेटा या बेटी कुछ भी आ सकता है, अभी हमें कुछ डेफिनेट पता नहीं है। आगे क्या बोल रहा है, क्यू हैज़ एन अंकल एंड एन आंट, तो देखिए यहाँ पे एक अंकल है और एक आंट भी हो सकता है, तो मे बी इसी का सिबलिंग हो जाए, और ये हो सकता है कि क्यू के अगर मान लीजिए यहाँ पे मदर है और मदर का यहाँ पे एक सिबलिंग है, तो ये भी तो हो सकता है ना फादर का एक सिबलिंग हो जाए और वो मेल या फीमेल हो जाए, तो अभी कुछ डेफिनेट कह नहीं सकते, बस यहाँ पे लिख लेंगे कि क्यू हैज़ वन अंकल एंड वन आंट, ये हमने लिख लिया। फिर क्या बोल रहा है, ओ इज़ एन अनमैरिड, अनमैरिड है तो आप यहाँ पे अनमैरिड लिख लो। आगे क्या बोल रहा है, एन इज़ ऑल्सो मेम्बर ऑफ अ फैमिली, तो इसको आप अंडरलाइन कर लो कि एन एक और पर्सन है, ठीक है। फिर ओनली टू मैरिड कपल इन अ फैमिली, तो मतलब टोटल दो मैरिड कपल है, तो देखिए वो दो मैरिड कपल हो क्या कह सकते हैं, एक तो देखिए एल हो सकता है, ठीक, एक मैरिड कपल पी नहीं हो सकता, सॉरी एक मैरिड कपल एम है और एक यहाँ पे के है, तो मे बी ये हो सकता है कि हमारे के और एम की शादी भी हो सकती है, और ये हो सकता है कि हमारा के या एम कोई हमारे सेकेंड जनरेशन में आए, बट देखिए यहाँ पे एक अनमैरिड होगी और पी का हमारा हो जाएगा भतीजा क्यू, दैट मीन्स हमारे पी को यहाँ कहीं आना पड़ेगा, अगर पी को हमारे कहीं यहाँ पे आना पड़ेगा तो डेफिनेटली हमारा क्यू थर्ड जनरेशन में तभी तो आएगा, क्योंकि हमें तीन जनरेशन की यहाँ पे बात करी हुई है। और यहाँ पे अगर आप आगे पढ़ोगे, चलिए पहले पूरी इन्फॉर्मेशन पढ़ लेते हैं, ओनली टू मैरिड हमने यहाँ तक पढ़ लिया। आगे क्या बोल रहा है, पी इज सिस्टर इन लॉ ऑफ एल, पी इज सिस्टर इन लॉ ऑफ एल, तो ये भी हो सकता है कि पी की जो बहन या भाई है, बहन हो जाएगी और उसका हस्बैंड हो जाएगा पी, उसका हस्बैंड हो जाएगा एल, सॉरी उसका हस्बैंड हो जाएगा एल, ठीक। अब आगे क्या बोल रहा है, हस्बैंड या वाइफ कुछ भी हो सकता है एल, बट देखिए यहाँ पे एल इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ पी बोल रहा है, तो यानी एल का कोई हस्बैंड हो जाएगा, एल का हमारे कोई हस्बैंड हो जाएगा और उसकी बहन हो जाएगी हमारे पी, तभी तो वो एल पी हमारी सिस्टर इन लॉ ऑफ एल हो जाएगी, तो यानी पी हमारी यहाँ पे हो जाएगी, ठीक। आगे क्या बोल रहा है, पी इज़ नॉट सिबलिंग ऑफ ओ, दैट मीन्स हमारा ओ यहाँ पे नहीं आएगा। फिर आगे क्या बोल रहा है, इसको थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं, ओ हु इज़ नॉट सन ऑफ पी, यानी पी का सन नहीं है ओ, ठीक, तो ये भी हमें पता चल गया। अब देखिए यहाँ पे हमने इसको अरेंज कर लिया, इसको थोड़ा सा ऊपर बनाते हैं, एम हो गया, एम का एक बेटा हो गया, एक लौती बेटी हो गई एल, और इसका हस्बैंड हो जाएगा यहाँ पे, और इसकी बहन हो जाएगी पी, हमने इतना अरेंज कर लिया। और यहाँ पे लिख लेते हैं कि यहाँ पे ओ नहीं आएगा, अगर देखिए पी यहाँ पे है तो डेफिनेटली इन दोनों का बेटा होगा, उसी का नाम क्यू हो जाएगा, तो यहाँ पे आप क्यू लिख लो। अब देख लो आप कितने पर्सन को अरेंज कर चुके हो, तो 1, 2, 3, 4, 5, हमने टोटल 5 पर्सन को अरेंज कर लिया। अब बोल रहा था कि के का एक बेटा है ओ, अब ओ यहाँ पे नहीं आ सकता, दैट मीन्स ओ यहाँ पे के नहीं आएगा, दैट मीन्स डेफिनेटली हमें के और एम की शादी करानी पड़ेगी, और आप के को कहीं और बैठा भी नहीं सकते, क्योंकि हमारे टोटल कितने मैरिड कपल है, केवल दो मैरिड कपल है, तो एक कपल तो ये हो गया और एक मैरिड कपल के और एम हो जाएंगे, ठीक। अब जैसे ही के और एम कपल हो जाएंगे तो आप इनका एक बेटा हो जाएगा जो कि है ओ, और ये सिबलिंग हो जाएगा एल का। अब देखिए एक जो हमने यहाँ पे स्टेटमेंट पढ़ी थी कि क्यू हैज़
एंड अंकल एंड आंट देखेगी हमारी ट्रू हो जाएगी, उसकी आंट पी हो जाएगी और उसका अंकल कौन हो जाएगा, ओ हो जाएगा। तो ये हमारा यूज़ हो चुका। फिर आगे हमने सारी इन्फॉर्मेशन पढ़ ली थी, ठीक। अब आगे क्या बोल रहा था, एन इज़ ऑल्सो अ मेम्बर ऑफ अ फैमिली, तो आप एन को यहाँ पे लिख लो। रही बात इन दोनों के जेंडर की, तो देखिए यहाँ पे हम इन दोनों का जेंडर डिटरमाइन नहीं कर सकते। अब टोटल नंबर ऑफ पर्सन देख लेते हैं, हो कितने रहे हैं। तो यहाँ पे अगर हम कैलकुलेट करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, टोटल 7% और यहाँ पे हमने 7% बैठा भी लिए। आगे क्या बोल रहा है क्वेश्चन, चलिए इसका सॉल्व करते हैं। हाउ इज़ एन रिलेटेड टू क्यू, तो देखिए एन रिलेटेड टू क्यू, एन कौन हो जाएगा, एन हमारा फादर हो जाएगा जो कि है ऑप्शन नंबर सी। फिर क्या बोल रहा है, हाउ इज़ एम रिलेटेड टू ओ, तो क्या आप एम का कुछ भी बता सकते हो कि एम हमारा मेल है कि फीमेल है, क्या है, नहीं बता सकते हो, तो हम एम का रिलेशन नहीं बता सकते, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई जो कि है सी एन डी। अब देखिए ये हमारी कोडेड वाले ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन है, इसमें देखिए आपको नीड ही नहीं होती है कि आप पूरा हमारा ब्लड रिलेशन का ट्री बनाओ। इसमें मैं आपको मेथड बताऊंगी कि किस मेथड से आप विदाउट ड्राइंग ट्री आप क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले देख लीजिए एक चीज़ यहाँ पे समझिए कि अगर यहाँ पे एक ही साइड से रिलेशन दिया हुआ, दैट मींस अगर ए से सारे रिलेशन दिए हुए बी के या बी से सारे रिलेशन दिए हुए ए से, मतलब या तो बोले हर स्टेटमेंट में कि ए एट द बी मीन्स ए इज़ वाइफ ऑफ बी, जैसा कि इस क्वेश्चन में है, यहाँ भी बोल दे कि ए डॉलर बी मीन्स ए इज़ मदर ऑफ बी जो कि यहाँ पे लिखा है, तब इस केस में आप कर सकते हो। या तो ऐसे भी हो सकता है कि बोल दे बी एट द रेट ए एट द रेट बी मीन्स बी इज़ वाइफ ऑफ ए, तो इस केस में भी आप कर सकते हो। मतलब आपको जो डायरेक्शन दिया हो वो एक ही साइड देना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी में ए के रिगार्डिंग बी से दे दे और फिर कह दे कि बी के रिगार्डिंग ए, तो इस वाले में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, तब मे बी आपको बनाना पड़े ट्री। बट अगर जैसे इस केस में है कि सारे रिलेशन एक ही साइड से दिए हुए हैं कि ए इज़ वाइफ ऑफ बी इसी तरह कह रहा है, तो इस केस में आप बिना ट्री अपना बनाए भी हुए भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो देखते हैं इसमें हमें तरीका इसमें अपनाना क्या होता है। तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या बोल रहा है, हाउ इज़ पी रिलेटेड टू क्यू, तो सबसे पहले आप देख लो पी आपका यहाँ पे और क्यू आपका यहाँ पे। अब देखिए इसमें बोल रहा है ए एट द रेट बी मीन्स ए इज़ वाइफ ऑफ बी, तो आप ये कर सकते हो कि बी की वाइफ कौन होगी, बी की वाइफ ए होगी। अगर ए इज़ मदर ऑफ बी, इसको हिंदी में देखो तो क्या हो जाएगा कि बी की माँ कौन है, बी की माँ ए है, ठीक। तो अब हम देखिए ये वाला जो पर्सन होगा, हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप एक चीज़ जान लो, हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे और पीछे से आप पढ़ना स्टार्ट करो विदाउट ट्री बनाए। और ये जो लास्ट पर्सन है इसको खुद को अज्यूम करो, जब आप खुद को अज्यूम करोगे तो आप रियली इसमें अपना रिलेशनशिप खुद ही निकाल लोगे। जैसे कि इसमें देखते हैं यहाँ पे क्यू है यहाँ पे एम है, तो हम इसको देखिए एड हमारा जो ये हैशटैग है, हैशटैग इसको रिप्रेजेंट करता है ब्रदर को, तो इसको हम पढ़ेंगे कैसे कि मैं क्यू को आप खुद पढ़ लो कि मैं हूँ, मैं और मेरा भाई, यानी मेरा भाई कौन हुआ, हमारा मेरा भाई एम हुआ। उसके बाद देखो ये सी किसको रिप्रेजेंट करता है, सी हमारा सिस्टर, यानी मैं मेरा भाई और बहन। देखिए इसमें आप या तो लिख लो, इसमें मैं आपको थोड़ा सा आप कन्फ्यूज़ हो सकते हो, तो यहाँ पे मैं आपको लिख लेती हूँ। देखिए हैशटैग का मतलब ब्रदर हो गया, फिर सी का मतलब क्या हो गया, सिस्टर हो गया, उसके बाद स्टार का मतलब क्या हो गया, फादर हो गया, और एट द रेट का मतलब क्या हो गया, एट द रेट का मतलब वाइफ हो गया। तो देखिए इसको आप पढ़ोगे कैसे कि मैं मेरा भाई, ये मेरा भाई हो गया, और उसकी बहन यानी मेरी भी बहन, तो भी हमारी बहन हो गई। फिर स्टार यानी उसके पापा, यानी मेरे पापा, मेरी बहन और मेरे पापा एक ही होंगे, तो वो आर हो जाएंगे, और आर की वाइफ पी, दैट मीन्स मेरी मम्मी पी, यानी पी और क्यू से रिलेशनशिप हमारा निकला क्या, कि पी हमारी मम्मी हो जाएगी जो कि ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए इसमें बस एक यही तरीका है, आप इसको एग्जामिनेशन में यहाँ पे आपको लिखने की भी नीड नहीं होगी, आप बस देखते जाओ कि आप मतलब इसको पढ़ो स्क्रीन पे ही आप पढ़ो, आपको इसको कॉपी में भी नोट डाउन करने की नीड नहीं है। आप जैसे ही हैशटैग पढ़ोगे तो आप बस देख लो हैशटैग रिप्रेजेंट कैसे कर रहा है, हैशटैग हमारे ब्रदर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसको ऐसे पढ़ो कि मैं मेरा भाई एम हो गया, उसके बाद सी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, बहन को, यानी मेरे भाई की बहन यानी मेरी भी बहन, तो बी हमारी बहन हो गई। फिर हमारा स्टार किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, स्टार फादर को, यानी मेरे बहन के पापा यानी मेरे भी पापा, तो आर हमारे पापा हो गए। फिर एट द रेट वाइफ रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी हमारे पापा की जो वाइफ है वो हमारी कौन है, वो हमारी माँ है, तो हम पी क्या हो जाएगा, पी हमारा इस केस में हो जाएंगी मदर, और किसकी हो जाएंगी, क्यू की क्या, बी और एम की भी हो जाएंगी, बट इसमें हमसे पूछा था क्यू की और ऑप्शन हो जाएगा पी। फिर देखिए इसकी अगर बात करते हो तो देखिए इसमें आप एलिमिनेशन मेथड लगा सकते हो। अगर इसमें सबसे पहले आप क्वेश्चन पढ़ो, मैं बताती हूँ इसमें एलिमिनेशन मेथड लगाओगे कैसे। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन शोज ए इज़ ब्रदर इन लॉ ऑफ जी, तो देखिए ए इज़ ब्रदर इन लॉ ऑफ जी। अब देखिए यहाँ पे रिलेशनशिप कैसा दिया हुआ था, ए इज़ वाइफ ऑफ जी,
ए इज वाइफ ऑफ बी, दैट मींस ए के बाद इस वाले अगर आप ऑप्शन में देखो कि अगर हमें देखना है कि ए इज ब्रदर इन लॉ ऑफ जी, दैट मींस ए के बाद जो एक हमारा सिंबल आएगा जो कि इन सब में से कुछ होगा, वो हमारा सिंबल क्या होगा, वो ऐसा सिंबल होगा जो कि मेल को रिप्रेजेंट करता होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देख लो आप क्वेश्चन में कि मेल को रिप्रेजेंट करता है ऐसा सिंबल क्या है। तो देखिए क्या एट द रेट मेल को रिप्रेजेंट कर रहा है, नहीं है, तो वाइफ को रिप्रेजेंट कर रहा था यानी एट द रेट नहीं है। फिर देखिए डॉलर डॉलर मदर को कर रहा है यानी ये भी फीमेल को कर रहा है। अगर हैश टैग की बात करते हो तो एक तो हमारा मेल के लिए हो गया हैश टैग, फिर अगर सी की बात करते हो तो ये भी आपका क्या हो गया, ये भी आपका सिस्टर हो गया। फिर अगर स्टार की बात करते हो तो ये फादर हो गया, तो एक हमें मेल क्या मिल गया और एक स्टार मिल गया। फिर एंड की बात करते हो तो ये भी मेल है जो कि है सन, तो आप यहाँ पे एंड लिख लो। फिर इक्वल क्या है, इक्वल तो डॉटर को रिप्रेजेंट करता है, दैट मींस ये फीमेल को रिप्रेजेंट करता है। तो मतलब हमें यहाँ से अल्टीमेटली पता चला कि हमारे मेल के सिर्फ तीन सिंबल हैं जो कि है हैश टैग, स्टार और एंड। अब यहाँ पे पूछ क्या रहा था, ए इज़ ब्रदर इन लॉ ऑफ जी, दैट मींस इन ऑप्शंस में सबसे पहले आप उसको एलिमिनेट कर दो जहाँ पे इन तीनों के सिवा और भी कोई सिंबल आ रहा हो, उसको आप एलिमिनेट क्यों करोगे, क्योंकि वो आपका रिप्रेजेंट कर देगा किसी फीमेल पर्सन को। क्योंकि देखिए अगर यहाँ पे ए एट द रेट बी दिया हुआ है तो उसको आप देखोगे कैसे, ए इज़ वाइफ ऑफ के आप इसी तरह पढ़ोगे, दैट मींस आपका ए के बाद जो भी सिंबल फीमेल का दिया हुआ आप सबसे पहले उन सारे ऑप्शंस को एलिमिनेट कर दो। तो वैसे हम एलिमिनेट कैसे किसको कर सकते हैं ये देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे एट द रेट है जो कि है एक फीमेल को रिप्रेजेंट करता है, तो दैट मीन्स इसको आप एलिमिनेट कर दो। फिर यहाँ देखिए सी को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्या हमने यहाँ तीन सी निकाला, नहीं, तो इसको आप एलिमिनेट कर दो। ए स्टार है, हाँ ये हो सकता है क्योंकि ये एक मेल है। फिर देखिए ए यहाँ पे भी हो सकता है, ए यहाँ पे आप इसको क्यों चेक करना पड़ेगा, देखिए इन दोनों को तो आपको चेक ही नहीं करना पड़ेगा, इन दोनों को आप सिंपली क्रॉस कर सकते हो। ए को भी आपको चेक करना पड़ेगा, मे बी ऐसा हो सकता है कि आगे हमें कुछ ऐसा रिलेशन पता चल जाए जिसमें हमें ए का जेंडर डिटरमाइन कर पाए। तो इसमें हमें ऑप्शन चार के बजाय, चारों चेक करने के बजाय हमें सिर्फ दो बचा। अब दो को चेक करते इसको पढ़ेंगे कैसे, देखिए मैं हो गया, फिर देखिए सी किसको रिप्रेजेंट करता है, सी बहन को रिप्रेजेंट करता है, तो मैं और मेरी बहन कौन हो गई, मेरी बहन के हो गई, के बाद हमारे डॉलर दिया हुआ है, और यानी के की मदर कौन हो जाएगी, के की मदर हो जाएगी एल, यानी मेरी भी मम्मी, मेरी मम्मी हो गई। उसके बाद इक्वल टू का साइन है और फिर एच है, अब इक्वल टू किसको रिप्रेजेंट करता है, डॉटर को, दैट मीन्स एल मेरी मम्मी थी और मेरी मम्मी की बहन यानी ये मेरी भी बहन हो जाएगी, और मेरी बहन के पापा, तो ये तो पापा हो रहे हैं, बट यहाँ पे किसकी बात कर रहा था, ए इज़ ब्रदर इन लॉ, तो यानी ये ऑप्शन हमारा होगा नहीं। फिर इसको पढ़ते हैं, मैं हो गया, मैं और एट द रेट सॉरी मैं हो गया एज है, मतलब खुद को अब ज्यूम करो, मैं हो गया एंड किसको रिप्रेजेंट करता है, एंड हमारे सन को रिप्रेजेंट करता है, मैं मेरा बेटा हो गया, मेरा बेटा हो गया। उसके बाद देखिए डॉलर का साइन है, डॉलर का साइन दैट मींस माँ, यानी मैं हो गया, मेरा बेटा हो गया, उसकी माँ हो गई, जैसे ही उसकी माँ हो गई तो यानी एक फीमेल हो गई, और मैं कौन हो गया, मैं एक मेल हो गया, और मैं हो गया हस्बैंड, और ये मेरी वाइफ हो गई। अब वाइफ वाले को आप पकड़ो, वाइफ हो गया, वाइफ का भाई यानी ये मेरा साला हो जाएगा, ठीक। अब ये जैसे ये मेरा साला हो गया यानी उसकी बहन, यानी ये मेरी साली हो जाएगी, अब साली हो जाएगी तो यानी ये मेरी सिस्टर इन लॉ हो जाएगी, और ए कौन हो जाएगा, यानी मैं खुद उसका हो जाऊँगा ब्रदर इन लॉ। हमारे क्वेश्चन में भी यही पूछ रहा था, विच ऑफ़ दी फॉलोइंग एक्सप्रेशन शोज ए इज़ ब्रदर इन लॉ ऑफ जी। देखिए मे भी आपको ये थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग लगे इसको ओरली करना, बट जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे आप ईजिली इसमें बहुत फ्लुएंट हो जाओगे, क्योंकि ट्री बनाने में अगर आप कंफर्टेबल हो तो आप नो डाउट बना सकते हो, बट जैसे ही आपका इस वाले में फ्लुएंसी आएगी आपको ट्री वाले से भी ये ईजी लगेगा, क्योंकि आप इसमें खुद को अज्यूम कर लोगे। बस इसमें आपको ये करना है कि इस वाले पर्सन को खुद को मानना है, जब आप खुद से कोई रिलेशनशिप डिटरमाइन करोगे तो वो बहुत जल्दी सॉल्व होता है। सो होप आपको आज के 20 जो क्वेश्चंस थे ब्लड रिलेशन के वो समझ में आए होंगे, और आप एग्जामिनेशन में आएगा तो आप इसको नो डाउट बहुत अच्छे से सॉल्व कर लोगे। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो डू गिव इट अ थम्स अप एंड डू शेयर इट एंड डू सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।